सोनिया गांधी कोई भी झूठ बोल सकती है, वो तो झूठ बोलते रहती है। उसके पिताजी हिटलर के आर्मी में जवान थे, उसके बारे बताती नहीं है। और उसकी एजुकेशनल डिग्री तो कुछ भी नहीं है, 5वीं क्लास भी नहीं पास किया, परंतु कहती थी इंग्लैंड में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुझे इंग्लिश में डिग्री मिली है। तो झूठ बोलती है, और ये भी झूठ है। जो वैकेंसीज हैं राज्यसभा का, लोकसभा सीट्स के, उसको छोड़कर तो आज की परिस्थिति में 268 एमपीज हमारे साथ वोट डालेंगे तो हम जीतेंगे, और हमारे पास 273 है तो इसमें कोई संभावना है ही नहीं। और कांग्रेस में भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि तेलुगु देशम मूव करने वाली है और कहने वाली है कि इस पिछले साल 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अब आप क्या थे उस समय, 4 साल तो ये सरकार में थे, 4-5 मिनिस्टर्स रखकर, और अच्छा अब किस मुंह से वो कह सकते हैं कि 4 साल कुछ नहीं हुआ। तो ये सब हास्यास्पद है, हारेंगे और पब्लिक को जान लेगी। और पब्लिक तो आजकल थोड़ा खुश होने लग गई है, कश्मीर में अच्छा किया हमने, करप्शन इश्यूज में भी थोड़ा सख्त हुए हैं, और सिर्फ और राम मंदिर के लिए बड़ी प्रयास चल रही है, और सिर्फ इकोनॉमी में हमारी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो क्योंकि हमने सही पॉलिसीज़ नहीं फॉलो की। मैंने पहले से कहा, धीरे धीरे उसको भी रेक्टिफाई हो रहा है, जैसे GSTN का मैंने विरोध किया, अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि राष्ट्रीयकरण होगा उसका। तो ऐसे कई चीज़ों में बदल आई है, और मैं समझता हूँ कि कोई आलोचना करने के लिए ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है।